सरकार में ऐसे गुंडे हैं जो अपने देश की बेटी की रक्षा नहीं कर सकते। सो सरकार को ये तुरंत इसको गिरफ्तार करना चाहिए। कि मोदी सरकार कर सकता, उस सरकार को अपना राज सत्ता त्याग देनी चाहिए, लेकिन राज सत्ता के बीच में बने हुए गुंडे। ये मोदी सरकार को औरतें जब सड़कों पर आएगी ये बता देगी कि हम जो है वो अबला नहीं है, हम शक्ति है, शक्ति है। और ये औरतें जो चाहे वो कर सकती है। ये मोदी सरकार जो ईडी का डर डाल के हमारे पंजाब की और एक बहन नमशंग को कैसे प्रताड़ित कर रही है, वो नमशंग नहीं है, उससे 5-7 साल से जो देश की बात कर रहे हैं, जो भारत की बात कर रहे हैं, जो समानता की बात कर रहे हैं, जो सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं, उनको जेल के अंदर फेंक रही है। सो हम औरतें जो है आज अपनी बेटियों, जो हमारी बेटियों ने देश का मान और सम्मान रखा है, जिन्होंने हमारे देश का झंडा बुलंद किया है सारे वर्ल्ड के बीच में, उनके साथ अपनी सॉलिडेरिटी भारतीय महिला फेडरेशन जिस दिन से धरना लगा है तब की यहाँ पे हर रोज बैठती है उनके साथ, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे औरतों के साथ कोई भी जाति हो, चाहे हाथरस केस हो, नाव का केस हो। तो हम सभी औरतें जो सोशल जबर का शिकार हो रही है उनकी मांग करते हैं कि उनके गुंडों को नत पाई जाए। मैं ये कहती हूँ कि ब्रजभूषण जो बहुत अहंकार के साथ बोलता है अपने इंटरव्यूज में, ये मोदी सरकार कर सकता, उस सरकार को अपना राज सत्ता त्याग देनी चाहिए, लेकिन राज सत्ता के बीच में बने हुए गुंडे ये कह रहे हमारे पेरेंट्स को, हमारे जिन्होंने अपनी जिंदगी की कमाई सारी अपनी बेटियों के ऊपर लगा दी, जो जो जिन्होंने स्पोर्ट्स के बीच में भेजा, वो सारी ये चीजें कह रहे हैं कि आप मत बेटी को पढ़ाओ, बेटी को बचाओ, बेटी को मत पढ़ाओ और अपनी जिंदगी के फैसले ना करो। ये नरेंद्र सरकार है जो चाहती है कि बेटियां घर के अंदर बंद हो, लेकिन ये 21वीं सदी की बेटियां है, ये हिंदुस्तान की भारत माता की बेटियां है, ये ऐसे डरने वाली नहीं है। एक दिन ब्रजभूषण को जो ये शर्मा नहीं चाहिए उस सरकार को कि उसकी सरकार में ऐसे गुंडे हैं जो अपने देश की बेटी की रक्षा नहीं कर सकते। सो सरकार को ये तुरंत इसको गिरफ्तार करना चाहिए, उसको कुश्ती पहलवान के परमिशन से प्रणाम से उनको जो हम उसको इस्तीफा उसको देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। मैं फिर अपनी बेटियों के साथ, जो हमारी बेटियां है जो देश का मान है उसके साथ